गाइस कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल क्लासरूम 2.0। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आप आज भी जो रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, उसके लिए आप साइबर कैफे जाते हैं? क्या आप वहाँ घंटों इंतज़ार करते हैं कि जो कंप्यूटर वाला है वो आए, आपकी डिटेल पूछे और आप उसको जाके उसको रिज्यूम वहाँ से निकालें? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पुराने तरीके हैं, ट्रेडिशनल मेथड। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक ऐसा ऐप, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने मोबाइल के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या बना पाएंगे, रिज्यूम बना पाएंगे बहुत जल्दी, वो भी चुटकियों में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बहुत इमरजेंसी रिज्यूम बनाना होता है। क्या बनाना होता है? रिज्यूम बनाना होता है, बायोडाटा बनाना होता है। आप जॉब बदलते हैं, नई जॉब आपको चाहिए, आप अभी स्कूल 12th पास किए हैं, अभी आप कॉलेज जा रहे हैं, या आप 12th के बाद जॉब कर रहे हैं, जॉब करना है, जॉब बदलना है, व्हाटएवर कुछ भी बातें हैं, आपको कहीं ना कहीं रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो हम वो रिज्यूम कैसे बनाएं, कैसे हम लोग मोबाइल की मदद से, एक ऐप की मदद से, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप मैं आपको बताऊंगा, आप चुटकियों में वो रिज्यूम बना लेंगे दोस्तों, ठीक है? तो उससे पहले आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पे हैं नए तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक शेयर, और हाँ, साइड में ना वो बेल आइकन आ रहा होगा उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे सम इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहता हूँ, तो आपको जरूर हेल्पफुल होंगी, ठीक है दोस्तों? तो आगे वीडियो में आपको समझने का मौका मिलेगा कि कैसे हम लोग एक नया रिज्यूम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप। थैंक यू, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं कि मोबाइल से जो रिज्यूम है हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अपने प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा रिज्यूम मेकर ऐप। रिज्यूम मेकर ऐप जैसे ही खुल जाएगा, देखिए यहाँ बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप हैं, पर जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है, प्रोफेशनल रिज्यूम बिल्डर, ये वाला, ठीक है दोस्तों? ये वाला हाईटेक सॉल्यूशन जो कंपनी है उसने ये बनाया है। मैंने ये ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप देखिए बहुत अच्छा ये ऐप है, प्रोफेशनल रिज्यूम बिल्डर हाईटेक सॉल्यूशन वालों का। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। आप इसे ओपन कर लीजिए, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज में है यहाँ पर, खाली यहाँ पर ही वो लैंग्वेज अलग आती है, आपको उसको क्या कैंसिल कर देना है, और कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पर, प्लस के आइकन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा, जिसमें कि पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, आप सब ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आप नीचे देखेंगे मोर ऑप्शन भी हैं, आपको अगर अलग से कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज के लिए आपको उसको क्लिक कर देना है यहाँ पर। और उसके अलावा आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग से कुछ ऐड करेंगे तो इंटरेस्ट को अपना, आपके क्या क्या इंटरेस्ट है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐसी आप कई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल पर जाएंगे, तो जैसे ही हम पर्सनल डिटेल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को भर देना है। आप अपनी डिटेल भरेंगे, जैसे ही आप अपनी डिटेल भरते हैं यहाँ पर से, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी यहाँ पर एक नाम डाल देते हैं, अमित कुमार, जैसे हमने यहाँ पर नाम डाल दिया अमित कुमार के नाम से हम ये रिज्यूम बना रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम आपको अपना एड्रेस डालना है, हम यहाँ पर एड्रेस डाल लेते हैं। बहुत अच्छा ऐप है और आप देखेंगे कितनी जल्दी आप लोग यहाँ पर अपना बायोडाटा बना सकते हैं। अब आपको किसी भी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत है नहीं है, इतना टाइम होता नहीं किसी के पास कि हम लोग वहाँ पर जाएँ और ये सब हम करें वहाँ जाके, तो इसलिए आप लोग ये घर पे भी आप अपने आप बैठे बैठे ये बना सकते हैं। बस करना क्या है आपको, आपको इसको अपना जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो आपके जो इंफॉर्मेशन है वो उसको आपको फिलअप करनी है, ये बाकी उसको अपने आप ही
उसको वो कर देगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल, ईमेल आएगा, आपको वहाँ पर उसको ईमेल को भरना है। दोस्तों आप अपना ईमेल भर दीजिए, जैसे आप ईमेल भरेंगे आप यहाँ पर उसको ईमेल को भर दीजिए, आप अपना ईमेल को भर दीजिए। आप जैसे ईमेल भरेंगे अमित कुमार के नाम से @gmail.com आप भर दीजिए। फ़ोन नंबर आप अपने यहाँ पर जो भी है फ़ोन नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, जो भी फ़ोन नंबर है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी अपना डाल दीजिए। वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है आप वेबसाइट डाल सकते हैं, और अपना लिंक्डइन आईडी जो है आपका आप उसको भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। आप इसको डाल देंगे, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और आप अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी है नहीं है। खाली वही चीज़ें आप लोगों ने फिलअप करनी है जो वहाँ पर हैं, जिनको चाहिए वो उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस तरह से हम उसको फिलअप कर दिए हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें कि फ़ोटो का ऑप्शन भी है। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटो, देखिए मैं यहाँ पर से कोई फ़ोटो है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर से कोई भी फ़ोटो है उसे सेलेक्ट करके यहाँ पर से डाल सकते हैं। आप कोई भी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कौन सी फ़ोटो, कोई फ़ोटो आती है तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये फ़ोटो हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये फ़ोटो मैंने डाल दिया है। ये तो मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको अपना अच्छी फोटो, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लीजिएगा। उसके बाद आप एजुकेशन पे आइए, एजुकेशन पे आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका कोर्स, जो भी आपका कोर्स है जैसे आपने किया हुआ है तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल किया है, तो यहाँ से आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं, इसको डाल दीजिए। कौन से साल में आपने पास किया था वो आप यहाँ पर वो जो है आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे कि आप उसमें 10th, अपना 12th, अपना जो भी आपने आगे एजुकेशन कर रखी है वो आप उसको पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको वैसा वैसा करना है। ठीक है, अभी आप इसको जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से इसको एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ पर 12th डालते हैं मान लीजिए, क्योंकि बाद में फिर मेरे को ये पूरा भरना पड़ेगा। इसको भरना पड़ेगा क्योंकि क्या होगा फिर, नहीं तो ये फिर फॉर्मेट दिखाएगा नहीं ना। आप अपने स्कूल का नाम वगैरह यहाँ डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप ग्रेड डाल दीजिए कौन सी डिवीज़न से आपने पास किया है, और फिर आप वहाँ पर डाल देंगे यहाँ से हमने पास किया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अब देखिए अब कॉलेज की बारी आती है, जैसे बीए किया है उसके बाद कहाँ से किया है आपने, आप वहाँ से उसको लिख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, यहाँ पर कौन से उससे किया है, कौन से साल में आपने बैचलर किया है, इसमें किया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की आप काफ़ी जो है इसको भर सकते हैं और इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस में दोस्तों आपने लिखना है कि आपने किस कंपनी में काम किया है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमने किस कंपनी में काम किया है। ठीक है, रॉयल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जॉब, आपका जॉब टाइटल वहाँ पर क्या था, आप क्या थे वहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ स्टोर कीपर, किस डेट से शुरू किया था, तो जिस भी डेट से आपने शुरू किया है मैं कोई सा भी यहाँ पर डाल देता हूँ, एंड डेट कितना था। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जून किस तारीख से, और यहाँ पर किया था 2008 से किया है, और दिसंबर 2009 तक ये किए हैं। इसके बाद आप डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, फिर आप उसे ऐड कर सकते हैं, और आपने कहाँ कहाँ किया है, फिर आप यहाँ पर कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं जहाँ पर आपने किया हो, मतलब जिन जिन जगहों पे आपने काम किया है। जो फ्रेशर हैं वो तो थोड़ा सा नहीं डाल पाएंगे, बट जो जिन्होंने जहाँ काम किया वो डालेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि फॉर्मेट भरना ज़रूरी है, अगर ये नहीं भरेंगे तो क्या होगा फिर कि ये दिखाएगा नहीं वहाँ पर, बहुत छोटा सा ही रिज्यूम बन के आ जाएगा बस। ठीक है,
इसलिए इसको पूरा भरना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको पूरा फिलअप कर रहा हूँ जून। इस तरह से मान लीजिए हमने ये भर दिया है, अब स्किल पे आएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, स्किल्स पे आपको क्या स्किल भरना होता है, स्किल में आप लोग क्या क्या भर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि आप स्किल में होता है कि आपके अंदर क्या नॉलेज है अलग से पढ़ाई के अलावा। जैसे आप प्रॉब्लम, जैसे हो सकता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्किल हो सकती है, ठीक है। और आपके अंदर हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब आप जो है काम जो है आप बहुत इजीली किसी भी इन्वायरमेंट में आप रह लेते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप किसी भी जगह को बहुत जल्दी आप वहाँ पर ढल जाते हैं वहाँ से, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पर। तो ये आपके स्किल्स में आपको ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना दोस्तों। आप जितना अच्छा आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, जितना अच्छा आप इसको भरेंगे तो वो इतना ही अच्छा आप ये बनेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। अभी मैं एक स्किल और डाल देता हूँ, टीम वर्क, ये बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट स्किल डाल देते हैं इसमें, लास्ट स्किल डाल देते हैं कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ज़रूरी स्किल होती है दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल। तो इस तरह से दोस्तों आप और भी ऐड कर सकते हैं कि ऐड का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आपको लिए, अब ये तो आप अपने आप रेंडमली सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ से कोई सा भी छांट लीजिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से जैसे ये वाला छांट लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ गया है। तो उसके बाद आप यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए। अब आप रेफरेंस में, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, रेफरेंस कोई भी ऐसा मत दीजिएगा जो कि आपको जानता ना हो। आप हम लोग कई बार रिज्यूम में कोई भी रेफरेंस डाल देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं डालना है जो कि आपको ना जानता हो या आपके बारे में नेगेटिव बोले, क्योंकि कंपनी से कॉल आते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ का ना। तो हम कोई सा भी मान ली रेफरेंस डाल देते हैं, जैसे मान डाल लेते हैं हम लोग मिस्टर अंकित, अंकित बंसल, ठीक है, मिस्टर अंकित बंसल, जॉब टाइटल टीम लीडर, ठीक है दोस्तों। कंपनी का नेम है हमारा स्क्वायर, SQU स्क्वायर मार्बल, स्क्वायर मार्बल कंपनी, इसी का ध्यान रखिए दोस्तों। आपने उन्हीं लोगों का नाम देना है जो जिनको आप जानते हो, और हाँ इसमें अपने पेरेंट्स वगैरह अपने दोस्तों का नाम नहीं देना है, प्रोफेशनल उसमें आपको खाली जहाँ आपने, मैं बोलूँगा उन्हीं का नाम दीजिए जो पिछले जहाँ आपने काम किया है, जिनके साथ आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है। और आप यहाँ पर आप अपना जो ईमेल है उनका, कि कई बार जो एम्प्लॉयर होता है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है उनके साथ, gmail.com। ये देखिए हमने ईमेल भी दे दिया, फ़ोन नंबर आप दे दीजिए, जो भी फ़ोन नंबर है आप उनका दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप कई लोगों को और रेफरेंस बना सकते हैं। अभी सब हो गया, और दोस्तों देखिए मोर सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं। आप इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेइंग फुटबॉल लिख सकते हैं, यहाँ पर आप स्विमिंग लिख सकते हैं, ऐसी आप बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में आप दिखा सकते हैं कि लैंग्वेज आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, आप यहाँ लिख सकते हैं रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, आप ये लिख सकते, यहाँ पर आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर आप ऐड करके, जैसे कि आप हिंदी तो कोई नॉर्मल है, वो तो कोई बात नहीं है। अभी आप लोग फिर यहाँ पर आप नीचे देखिए, आप इसके अलावा अदर लैंग्वेज भी ओके कर सकते हैं जो आपको लोकल लैंग्वेज आती हो। अब दोस्तों जब इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है, आप उन सबको फिलअप करने के बाद आप देखिए, आप यहाँ पर से कोई सा भी टैंपलेट देखिए, बहुत सारे यहाँ पर टैंपलेट है, आपको कोई सा भी अच्छा लगे आप उसको वो कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी इसको वो कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, बस उसके आप फिलअप अपना करते रहिए। और आपने मान लीजिए, जैसे मान ले ये मैंने, ये वाला जो है मैंने उसको यूज़ किया है टेम्पलेट्स को, अब थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ में। अब देखिए दोस्तों इस तरह से देखिए, ये मैंने अभी जबकि मैंने पूरा नहीं भरा था, फिर भी देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत ये बन गया है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें सारी चीज़ें कितने अच्छे से लिखी हुई आ रही हैं, देखिए जो हमने भरा था, क्योंकि वीडियो बनाते समय जल्दी में हो रहा था, ये सब फिलअप हुआ था। और आप अपने तरीके से तसल्ली से घर में बैठ के इसको आप बनाइए, आप पूरी डिटेल लिखिए जो आपको आदत है, वो बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसे शेयर कर सकते हैं, आप PDF में इसको देखो, PDF में अभी देखिए ऐड आ गया, क्योंकि नेट चल रहा है तो वो ऐड आ गया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं।
और उसके बाद वो डाउन यहाँ से जो व्यू है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए जैसे ये डाउनलोड हो गया, बस आप इसको कहीं से भी, ये देखिए ये आपका कितना अच्छा डाउनलोड हो गया, कलरफुल हुआ है वो भी दोस्तों, कलरफुल, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, कुछ भी सीखने का मौका मिला हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।